नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल मस्ती चैनल। यहाँ पर हम करते हैं सभी प्रकार के मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग। तो आज भी करेंगे दो स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग एक साथ। आज हमारे पास है Xiaomi के स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास MIA1 और दूसरा स्मार्टफोन Redmi Y2। दोनों की अनबॉक्सिंग करेंगे एक साथ, नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन, कैमरा और साथ ही साथ फिंगरप्रिंट सेंसर पर। सबसे पहले बात करें दोनों मोबाइल की कीमत की, 9 से 9,500 रुपए तक की कीमत में आपको यह दोनों स्मार्टफोन मिल जाएंगे। हालांकि काफी पहले लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन अब काफी ज्यादा प्राइस ड्रॉप हो चुकी है दोनों स्मार्टफोन की। MIA1 में आपको रियर में मिलते हैं 12+12 मेगापिक्सल के ड्यूल रियर कैमरा विद 2x ऑप्टिकल जूम के साथ। साथ ही आपको इसमें 4GB की रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। बैटरी आपको इसमें एवरेज 3080mAh की दी गई है। वहीं बात करें Redmi Y2 की, तो इसमें भी आपको रियर में 12+5 मेगापिक्सल के ड्यूल रियर कैमरा मिल जाते हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको इसमें मिलता है 16 मेगापिक्सल का, जबकि MIA1 में आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। वहीं बात करें रैम की, तो इसमें आपको 4GB की रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है और बैटरी इसमें भी आपको 3080mAh की मिलती है, यानी कि दोनों मोबाइल में आपको एवरेज बैटरी ही मिलती है। बाकी वीडियो में आगे देखते हैं और क्या क्या हमें दोनों मोबाइल में खास मिलता है। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हैं फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो बिना समय गवाए जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये है हमारे दोनों स्मार्टफोन जो आते हैं कुछ ऐसी पैकिंग के साथ। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं दोनों स्मार्टफोन में इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड लिखा गया है। बैक साइड दोनों में आपको हेडलाइन फीचर्स देखने को मिलेंगे, जिन्हें मैं वीडियो में आपको आगे बताता रहूंगा। तो जल्दी से कर लेते हैं दोनों मोबाइल के बॉक्स को ओपन। दोनों मोबाइल के बॉक्स हो गए हैं ओपन। सबसे पहले MIA1 पे नजर डालें, सबसे ऊपर हमें स्मार्टफोन देखने को मिलता है। फिलहाल इसे हम साइड में रख लेते हैं। अंदर देखें तो इसमें हमें एक स्क्रैच गार्ड मिला हुआ है, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा आपको स्क्रैच गार्ड इसमें दिया गया है फोन को स्क्रैच से बचाने के लिए। इसके बाद इसके अंदर हमें एक मिनी बॉक्स दिया गया है, जिसको हम ओपन करके देख लेते हैं। तो ये है बॉक्स जिसमें आपको सिम इजेक्टर पिन दी गई है। इसको ओपन करने पे इसके अंदर हमें क्या क्या दिया गया है यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये है MIA1 क्विक स्टार्ट गाइड, और अंदर देखें तो यूज़र मैनुअल, और इस तरफ हमें यहाँ पर चार्जर अडाप्टर और USB केबल इसमें दी गई है। USB केबल आपको मिलती है सी टाइप, तो ये देख सकते हैं आपको इसमें सी टाइप की USB केबल मिलती है। इसके बाद चार्जर देख लेते हैं, तो चार्जर कुछ ऐसा हमें इसमें मिलता है, जिसकी आउटपुट रेटिंग हमें मिलती है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का। हमें इसमें चार्जर दिया गया है 3080mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए। बाकी आपको इसमें ना ही कवर मिलता है और ना ही हैंड्स फ्री। तो ये हमारा बॉक्स हो गया है एम्प्टी, और नज़र डालते हैं Redmi Y2 पर। तो सबसे ऊपर स्मार्टफोन फिलहाल हम इसे साइड रख लेते हैं। इसके बाद इसमें भी हमें एक मिनी बॉक्स दिया गया है, जिसको ओपन करने पर हमें इसके अंदर देखते हैं क्या मिलता है। तो एक मोबाइल कवर दिया गया है, साथ ही आपको इसमें क्विक स्टार्ट गाइड, यूज़र मैनुअल दिए गए हैं, और ये देख लेते हैं कवर हमें कैसा दिया गया है। तो ये है मोबाइल का सुरक्षा कवच, काफ़ी कमाल का। आपको इसमें एक ट्रांसपेरेंट कवर मिल जाता है सिलिकन का, देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफ़ी फ्लेक्सिबल कवर इसके साथ मिल जाता है। इसके बाद अंदर देखें तो इसमें हमें एक चार्जर अडाप्टर दिया गया है, जिसकी आउटपुट रेटिंग हमें मिलती है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जर हमें इसमें मिलता है 3080mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए। USB केबल आपको इसमें नॉर्मल USB केबल मिलती है, सी टाइप आपको MIA1 में दी गई है। और इसके बाद हमें इसमें सेम इजेक्टर पिन दी गई है। ये है हमारे दोनों स्मार्टफोन। फ्रंट लुक कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है दोनों स्मार्टफोन का। साइज का डिफरेंट हमें देखने को मिल रहा है दोनों स्मार्टफोन में। यहाँ पर Redmi Y2 साइज में बड़ा है MIA1 के मुकाबले। वहीं बैक साइड का लुक देखें तो दोनों के बैक साइड का लुक कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और ड्यूल कैमरा दोनों में मिल जाते हैं। तो बात करते हैं MIA1 की, तो राइट साइड में आपको इसमें पावर ऑन की और वॉल्यूम की एक साथ मिल जाते हैं। ऊपर की साइड आपको सेकेंडरी माइक और IR ब्लास्टर दिया गया है। लेफ्ट में आपको सिम ट्रे दी गई है, जिसे हम ओपन करके देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें हाइब्रिड मिलता है या फिर डेडिकेटेड स्लॉट हमें इसमें दिए गए हैं। तो जी हाँ, आपको इसमें हाइब्रिड स्लॉट दिए गए हैं। इसमें आप दो सिम कार्ड एक साथ या फिर एक सिम कार्ड या मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, तीनों चीज़ आप एक साथ नहीं लगा सकते हैं इसमें। बॉटम में स्पीकर ग्रिल, चार्जिंग जैक, प्राइमरी माइक और यहाँ पर 3.5mm का ऑडियो जैक दिया गया है। बैक साइड देखें तो फिंगरप्रिंट सेंसर, और रियर में आपको
12+12 मेगापिक्सल के ड्यूल रियर कैमरा विद एलईडी फ्लैशलाइट मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और अब बात करें Redmi Y2 की, तो राइट साइड में पावर ऑन की वॉल्यूम की एक साथ मिल जाते हैं। ऊपर की साइड हमें सेकेंडरी माइक और IR ब्लास्टर और 3.5mm का ऑडियो जैक दिया गया है। लेफ्ट में आपको सिम ट्रे दी गई है, इसे भी हम ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें तीनों स्लॉट मिल जाते हैं, 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज को एक साथ हम लगा सकते हैं। बॉटम में स्पीकर ग्रिल, चार्जिंग जैक, प्राइमरी माइक दिया गया है, बैक साइड MI की ब्रांडिंग और रियर में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और 12+5 मेगापिक्सल के ड्यूल रियर कैमरा दिया गया है विद LED फ्लैश लाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्नर में काफी अच्छा डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है Redmi Y2। फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा विद LED फ्लैश लाइट भी दिया गया है। तो काफी कमाल के आपको दोनों स्मार्टफोन मिल जाते हैं, दोनों के हमने पावर कर दी है ऑन। तो यहाँ पर हम डिस्प्ले क्वालिटी देखते हैं, तो काफी अच्छी हमें डिस्प्ले क्वालिटी भी मिल जाती है। ब्राइटनेस हम दोनों की फुल कर देते हैं, MI A1 की ऑलरेडी फुल है। तो ये देखिए यहाँ पर दोनों की ब्राइटनेस हमने कर दी है फुल। तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमें दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, ये देखिए यहाँ पर। तो MI A1 में अच्छी बात है, आपको कोई भी फालतू की ऐप यहाँ पर प्री इंस्टॉल नहीं मिलती है, सब कुछ आपको ओरिजिनल ऐप मिलती है जो कि फ़ोन में ऑलरेडी रहती है। जबकि Redmi Y2 में आपको कई ऐप प्री इंस्टॉल मिल जाती है जिन्हें हम अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं डिस्प्ले साइज की, तो MI A1 में आपको 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलती है। स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x1920 पिक्सल का आपको इसमें मिलता है। पिक्सल डेंसिटी 401 PPI की दी गई। स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो आपको इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिलता है। इसकी थिकनेस है 7.3 mm की और वेट है इसका 165 ग्राम। Redmi Y2 में आपको मिलती है 5.99 इंच की HD प्लस फुल स्क्रीन डिस्प्ले। 720x1440 पिक्सल का आपको इसमें स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलता है। पिक्सल डेंसिटी 269 PPI की दी गई है। इसकी थिकनेस है 8.1 mm की और वेट है इसका 170 ग्राम। अब नज़र डालते हैं सेटिंग में, तो सबसे पहले हम MI A1 की सेटिंग में चले जाते हैं। स्क्रॉल अप करने के बाद सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है। सेटिंग में हमें सबसे नीचे अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है, तो इसमें हमें नोगट मिलता है 7.1.2 का, यहाँ पर नोगट वर्जन दिया गया है जो एंड्रॉयड वर्जन आपको मिलता है, मॉडल A1 है। बाकी सिक्योरिटी पैच लेवल हमें इसमें 6 नवंबर 2017 के मिलते हैं, हालांकि यह मोबाइल अभी अपडेट नहीं है। बाकी बात करते हैं चिपसेट की, तो क्वालकम स्नैपड्रैगन 625 का आपको इसमें चिपसेट मिलता है। ग्राफिक एड्रीनो 506 के मिलते हैं। प्रोसेसर 2 GHz का ऑक्टा कोर हमें इसमें दिया गया है। 4 GB की रैम, 64 GB का इंटरनल स्टोरेज है और इसकी एक्सपेंडेबल मेमोरी को हम 256 GB तक बढ़ा सकते हैं। आप नजर डालते हैं Redmi Y2 की सेटिंग में, तो इसमें भी हम सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग में सबसे ऊपर अबाउट फोन सेक्शन मिल जाता है, यहाँ पर हमें मॉडल नंबर, मॉडल नेम दिया गया है। एंड्रॉयड वर्जन 8.1.0 ओरियो हमें इसमें मिलता है। सिक्योरिटी पैच लेवल हमें 1/7/2018 का दिया गया है। MIUI वर्जन हमें 9.6.3.0 का मिलता है। बाकी इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है 2 GHz का ऑक्टा कोर, ग्राफिक एड्रीनो 506 के ही मिलते हैं और चिपसेट भी हमें इसमें क्वालकम स्नैपड्रैगन 625 का चिपसेट मिलता है। बाकी इसमें आपको 4 GB की रैम दी गई है, 64 GB में से लगभग 53 GB अवेलेबल है यूज़ करने के लिए और इसमें भी आप एक्सपेंडेबल मेमोरी को 256 GB तक बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप दोनों मोबाइल में 256 GB तक का मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। बाकी यह मोबाइल आपका PUBG गेम को भी आराम से चलाएगा। दोनों स्मार्टफोन 4 GB रैम के साथ आते हैं, तो आराम से आप स्मूथली दोनों में आप गेम भी खेल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बैटरी दोनों में आपको काफ़ी कम दी गई है, 3080 mAh की बैटरी दी गई है। हालांकि दोनों सेट काफ़ी पहले लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन अब पहले इनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी और अब ये काफ़ी सस्ते दाम में आपको लगभग 9 से 9.5 हज़ार रुपये तक की कीमत में मिल जाएंगे। हालांकि कोशिश करें कि कम से कम हमें 8.5 से 9 हज़ार रुपये तक की कीमत में दोनों मिल जाए, तभी बेहतर है। नहीं तो आपके पास कई और ऑप्शन, आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है जिसमें आपको ट्रिपल कैमरा, क्वाड कैमरा वाले फ़ोन मिल जाते हैं। और आप नज़र डालते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पर, तो दोनों मोबाइल के हम कैमरा कर देते हैं ऑन। तो ये हमने कर दिए हैं ऑन दोनों स्मार्टफोन के कैमरे, तो लाजवाब कैमरा आपको दोनों स्मार्टफोन के देखने को मिलते हैं। कलर का थोड़ा डिफरेंट हमें देखने को मिल रहा है। MI A1 से आपको काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है जब आप इसमें पोर्ट्रेट मोड में पिक्चर कैप्चर कर लेते हो, तो यहाँ पर हम दोनों में नॉर्मल मोड से पिक्चर कैप्चर कर लेते हैं और देखते हैं, तो कुछ ऐसी क्वालिटी हमें दोनों मोबाइल के कैमरा से देखने को मिलती है।
तो ये देख सकते हैं हमने फुल जूम कर दिया है, कलर आपको डिफरेंट दिखने को मिल रहा होगा कलर में, तो दोनों में कलर कुछ अलग अलग हमें देखने को मिल रहे हैं फ्लावर्स पे आप देख सकते हैं। बाकी पोर्ट्रेट मोड में एक एक पिक्चर्स लेके आपको दिखा देते हैं। तो ये है दोनों मोबाइल से ली गई पोर्ट्रेट मोड में पिक्चर्स, तो कुछ ऐसी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर MI A1 में बैकग्राउंड आपको काफी ज्यादा ब्लरी देखने को मिल रहा होगा और ऑब्जेक्ट काफी ज्यादा क्लियर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये है MI Y2 से ली गई पिक्चर, इसमें भी आपको बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिल रहा होगा। कुछ और पिक्चर्स आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सेल्फी के मामले में Redmi Y2 काफी आगे है MI A1 के मुकाबले। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है MI A1 की सेल्फी और ये है Redmi Y2 की सेल्फी, तो दोनों में आपको काफ़ी डिफरेंट देखने को मिल रहा होगा। ये है ब्लर मोड में पोर्ट्रेट मोड में ली गई सेल्फी और ये है लो लाइट में ली गई पिक्चर्स। दोनों मोबाइल से पोर्ट्रेट मोड में कुछ ऐसी पिक्चर्स हमें देखने को मिलती हैं और ये है लाइट में ली गई पिक्चर्स पोर्ट्रेट मोड में। तो काफ़ी कमाल के कैमरे दोनों स्मार्टफोन के हमें देखने को मिलते हैं, तो ये देख सकते हैं आप। बाकी आप नजर डालते हैं दोनों के फिंगरप्रिंट सेंसर पे। दोनों मोबाइल में हमने लॉक सेट कर दिया है फिंगरप्रिंट सेंसर, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं दोनों मोबाइल का फिंगरप्रिंट सेंसर। तो यहाँ पर MI A1 थोड़ा टाइम ले रहा है जबकि Redmi Y2 काफी फास्ट वर्क कर रहा है, ये देख सकते हैं आप। MI A1 काफी ज्यादा टाइम ले रहा है, हालांकि दोनों ही मोबाइल कोई अपडेट नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोनों स्मार्टफोन में आपको कौन सा मोबाइल बढ़िया लगा, क्या इस प्राइस रेंज में दोनों मोबाइल सही हैं। 4GB की रैम मिल जाती है, 64GB का आपको इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मोबाइल आपको कैसे लगे, क्या आप इन्हें परचेस करना चाहोगे, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।